हुकूमत का आवाम से, ताजरों से ये गुजारिश है जी, हमें टैक्स दें। रियासत को बड़ी ज़रूरत है इस वक्त टैक्स की। आप इस राय को किस तरह से देखते हैं? हुकूमत होती किस वास्ते है कि अपने लोगों का स्टैंडर्ड बेहतर करें। बेहतर कर ले, और जब वो नहीं कर सकती तो फिर वो क्यों टैक्स मांगती है? एक पॉलिटिकल साइंस की बड़ी सीधी थ्योरी है जिसके ऊपर बेस्ड है मॉडर्न स्टेट, कि हम पे लाजम है कि हम टैक्स देंगे और उन पे लाजम है कि वो हमें जस्टिस देंगे, बेहतर बेहतर ज़िंदगी देंगे। तो दोनों उस एग्रीमेंट का हिस्सा है। अगर हमसे टैक्स लेके आईपीपीज की ज़िंदगी अच्छी बेहतर करनी है तो फिर लोग कैसे टैक्स देंगे? अगर उसकी ज़िंदगी बेहतर है जो टैक्स नहीं दे रहा, उससे जो टैक्स दे रहा है, फाइलर और नॉन फाइलर का मसला, तो फिर आपने खुद वो सारे सिचुएशंस, स्मगलर की ज़िंदगी अच्छी है, रिश्वतखोर की ज़िंदगी अच्छी है, आपने कभी ये भी नहीं पूछा कि इतने घर और इतनी ज़मीनें किसी ने कैसे खरीद ली इस मुल्क में, जो पिछले 75 साल से पहले किसी कोई अमीर आदमी नहीं होता था। करोड़पति हैं, जेन्युइन होंगे, मगर वो सारी जो ट्रेल है उसके लिए तो, और उसी मुल्क में मैंने आपसे कहा कि 94 मिलियन लोग आप ही की अदाद शुमार खत गुरबत से नीचे हैं, फ्लड रोज़ आ रहे हैं, आपने एक भी नया डैम नहीं बनाया, या जो बनाने थे वो अभी तक बने नहीं हैं, मुकम्मल नहीं हुए, क्यों नहीं हो रहा है? आपने अपने एजुकेशन रिफॉर्म्स क्यों नहीं उस लेवल पे किए जो दुनिया लोग बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, मैं इंडोनेशिया की एग्जांपल देता हूँ। आप मुसलमान मुल्क है, आपसे बड़ी आबादी है, 16वां बड़ा मुल्क है इकॉनमी के लिहाज से, उनका मार्शल लॉ भी उसी वक्त ख़त्म हुआ था जब आपका मार्शल लॉ ख़त्म हुआ था। तो आपके पास इसी इलाके में मुल्कों की मिसाल मौजूद है। सऊदी अरब के पास एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर वो 19वां ज़्यादा बड़ा मुल्क है, तुर्की 18वां बड़ा इकॉनमी के लिहाज से, उसने इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज्म की हुई है, आप भी टूरिज्म करना कर सकते हैं। मुझे ना टूरिज्म नज़र आई, ना एग्रीकल्चर नज़र आई। लोग कहते हैं कि बैकबोन है एग्रीकल्चर हमारी, टोटल जो फार्मिंग है वो 8% है हमारी जीडीपी का हिस्सा, तो बैकबोन कहाँ से होगा? तो इन मसाइल के साथ तो फिर ये इसी तरह मुल्क जिनके वो सारे लिंकेजेस इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनको कोई मसला नहीं आना इस मुल्क में, और जिनके ये लिंकेजेस नहीं हैं उनके लिए मसाइल के लिए मसला। ठीक, मैं एक छोटी सी बात आखिर में कर लूँ। लियाकत अली खान, बेनज़ीर, ज़ियाउल हक, इनके कातिल पकड़े गए? जिस मुल्क के हुक्मरानों के कातिल ना पकड़े जाएं, वहाँ आपके और मेरी ज़िंदगी जो है सोचिए भी नहीं कि बहुत अच्छी गुजरेगी।